अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मछली के कोफ्तों की रेसिपी। जो लोग कांटे की वजह से मछली नहीं खाते हैं या पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन डिश है ये। बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं, जो इस तरह से हैं। 1 kg मैंने यहाँ पर फिश ली है और फिश को उसकी स्किन उतरवा कर इस तरह से मैंने साफ़ करा लिया है। इसको कराई फिश कहते हैं और इसके कांटे बिल्कुल अलग कर दिए हैं। पाउडर मसालों में हम यहाँ पर लेंगे 1 tablespoon नमक, 1 tablespoon धनिया पाउडर, 1 tablespoon मिर्च पाउडर, 1 teaspoon हल्दी पाउडर, 1/4 teaspoon ज़ीरा, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर पाउडर। और बाकी के मसालों में हम यहाँ पर 2 बड़ी प्याज मैंने यहाँ बारीक बारीक काट लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 tablespoon, नारियल पाउडर 1 tablespoon, कसूरी मेथी 1 teaspoon, 3 tablespoon खसखस को पीस कर यहाँ पर मैंने पेस्ट बना लिया है, और 2 टमाटर का पेस्ट बना लिया है। यहाँ पर मैंने 1 bowl दही ली है, 1 bowl हरा धनिया बारीक कटा, 1 teaspoon करी पत्ता, 1 teaspoon मेथी दाना और 1 tablespoon हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 teaspoon गरम मसाला, 1 bowl मैंने यहाँ पर बेसन लिया है। यहाँ पर मैंने कीमा बनाने की मशीन ली है इलेक्ट्रिक, ग्राइंडर में पीस कर भी आप इसका कीमा बना सकते हैं और उबाल कर भी बना सकते हैं। उबाल कर उसको मसल कर भी कीमा बन जाता है मछली का। 1/2 teaspoon नमक, 1/2 teaspoon मिर्च पाउडर, 1 teaspoon धनिया पाउडर, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे और 1/2 बचा कर रखेंगे, हरा धनिया ऐड करेंगे, हरी मिर्च ऐड करेंगे, 1/4 teaspoon गरम मसाला ऐड करेंगे और 1/2 हम बचा कर रखेंगे, 1/2 प्याज ऐड करेंगे बारीक कटी हुई, 1 teaspoon दही ऐड करेंगे और 1 bowl बेसन ऐड करेंगे। चने का पाउडर बनाकर भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम बीटर को सेट कर लेंगे। बहुत इजीली इसके अंदर सब कुछ मिक्स हो जाता है और अच्छे से फिश का कीमा भी बन जाता है। आप चाहे तो ग्राइंडर में डालकर भी इसको इस तरह से कीमा बना सकते हैं। फिश का भी बारीक कीमा हो चुका है और सारे मसाले इसके अंदर और प्याज भी अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। और अब हम एक बोल के अंदर इनको ट्रांसफ़र करेंगे और अब हम कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हथेली के ऊपर थोड़ा ऑयल लगाएंगे और उसके बाद गोल गोल कोफ्ते बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम अपने सारे कोफ्ते रेडी कर लेंगे। इस तरह से हमने सारे कोफ्ते बना लिए फिश के। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तेल को तेज गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसके अंदर कोफ्ते फ्राई करेंगे। कोफ्तों को हम तेल के अंदर ऐड करेंगे और इस तरह से पहले एक साइड से इनको अच्छे से सिकने देंगे, फ्राई होने देंगे, उसके बाद इनको साइड को चेंज करेंगे। एक साइड से हमारे कोफ्ते अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे और हल्का ब्राउन होने तक इनको फ्राई करेंगे। स्लोली स्लोली हमें दोनों साइडों से इनको पलट पलट कर इनकी साइड चेंज कर कर इनको सेकना है, फ्राई करना है, जिससे अंदर से ही अच्छे से फ्राई हो जाए और इनके अंदर की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। इस तरह से हमने दोनों साइडों से अपने कोफ्ते को फ्राई कर लिया है। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसी पैन के अंदर जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए हैं, उसी के अंदर अब हम मसाला तैयार करेंगे, कोफ्ते की ग्रेवी बनाएंगे। 1 bowl मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेथी दाना फ्राई करेंगे और ज़ीरा, मेथी दाना और ज़ीरा हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 tablespoon और इसको फ्राई करेंगे। वन बोल मैंने यहाँ पर तेल लिया था, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं तेल को। अब इस 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर मैंने कोफ्तों के अंदर डाल दिया था और 1/2 teaspoon हमने
यहाँ पर डाल लिया है। बाकी की बची हुई मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे, अंदर दही ऐड करेंगे और दही को भी अच्छे से पकने देंगे। इसको इसको लिड से कवर करेंगे और इसको 2 मिनट हाई फ्लेम पर हम कुक करेंगे, जिससे ये अच्छे से दही मेल्ट हो जाए। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, अब हम इसके अंदर थोड़ा नारियल पाउडर ऐड करेंगे और इसको भी नारियल को भी एक बार अच्छे से भून लेंगे मसाले के साथ। और अब या एक कटोरी या एक कप आप इसके अंदर पानी डाल लें और इसको लिड लगाकर 2 मिनट और हम इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे। मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है और तेल भी अच्छा सर्विस पे आ चुका है। अब इस स्टेज पर हम मसाले के अंदर कोफ्ते ऐड करेंगे। 1 by 1 हमें कोफ्तों को ऐड करना है इसके अंदर। फ्लेम को हम लो रखेंगे। सारे कोफ्ते हमने ऐड कर लिए हैं। अब हम इसको एक साइड से लो फ्लेम पर इसी तरह से 5 मिनट कुक करेंगे, उसके बाद हम इनको चेंज करेंगे इनकी साइड और लिड से कवर करेंगे। 5 मिनट लो फ्लेम पर पकते हुए इनको हो चुके हैं, अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। इस तरह से इनको चेंज कर देंगे। अभी हमें इसके अंदर पानी नहीं ऐड करना है, जब तक हमारा कोफ्ते अच्छे से मसाले के अंदर ना पके तब तक, उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। हमें इनको इसी मसाले के साथ कुक करना है। दूसरी साइड से लिड से कवर करेंगे। 2 मिनट बाद 1 कप हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। और इनको अच्छे से हिलाएंगे कोफ्तों को, बहुत स्लोली स्लोली हमें इनको हिलाना है। हाफ टी स्पून नमक और ऐड करेंगे, नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट रख लें। कोफ्तों को पकते हुए हाई फ्लेम पर 2 मिनट हो चुके हैं। खसखस का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खसखस के साथ हमें कोफ्तों को स्लोली स्लोली फ्राई करना है, जिससे खसखस का कच्चापन निकल जाए और हमारे कोफ्ते भी अच्छे से टेंडर हो जाए। इस तरह से हम कसूरी मेथी को हथेली के ऊपर थोड़ा सा रगड़ लेंगे, जिससे ये बारीक हो जाए। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा तवे के ऊपर ड्राई रोस्ट कर लें, उससे भी बहुत जल्दी ये बारीक हो जाती है। एक पैन के अंदर आप चाहें तो पहले भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने उसके अंदर करी पत्ते को डालेंगे। कोफ्ते बनने के बाद इसको ऐड किया है, इससे करी पत्ते का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे और फाइनली हमारे मछली के कोफ्ते बनकर तैयार हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। बहुत ही टेस्टी देखने में लग रहे हैं ये। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी ही रखनी है, क्योंकि हमें इसको चावल के साथ खाना है और चावल के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये लगती है। और आप चाहें तो इसको नान के साथ, पराठे के साथ और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन डिश है ये। आई होप आपको ये फिश कोफ्ते पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए